जीरो से पाई बाय टू लाग साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स। हम जानते हैं कि साइन टू एक्स का फार्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, इसलिए दो से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देने पर जीरो टू पाई बाय टू लाग टू साइन एक्स कॉस एक्स अपान टू डीएक्स। जीरो टू पाई बाय टू लाग साइन टू एक्स अपान टू डीएक्स। हम जानते हैं कि लाग ए बाई बी बराबर लाग ए माइनस लाग बी, हेंस जीरो टू पाई बाई टू लाग साइन टू एक्स डी एक्स माइनस जीरो से पाई बाई टू लाग टू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू लाग साइन टू एक्स डी एक्स माइनस लाग टू को बाहर ले लें, डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, जीरो टू पाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू लाग साइन टू एक्स माइनस पाई बाई टू लाग टू, अर्थात टू आई इज इक्वल टू, अब इसे हम आई वन मान लेते हैं, माइनस पाई बाई टू लाग टू। अब आई वन का फिर से समाकलन हम अलग ढंग से करते हैं, आई वन इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू लाग साइन टू एक्स डी एक्स, माना टू एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका अवकलन जब हम करेंगे तो टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू, इसलिए वन बाई टू जीरो से पाई लाग साइन टी डी टी इज इक्वल टू जीरो वन बाई टू टू जीरो से पाई बाई टू लाग साइन टी डी टी। जब एक्स इज इक्वल टू जीरो तो टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू तो टी इज इक्वल टू टू इंटू पाई बाई टू बराबर पाई, हेंस वन बाई टू इंटू टू जीरो टू पाई बाई टू लाग साइन टी डी टी इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू लाग साइन टी डी टी। हम जानते हैं कि इंटेग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ टी डी टी, तो साइन टी के जगह पर साइन एक्स हो गया है, इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू लाग साइन एक्स डी एक्स। आई वन इज इक्वल टू आई, इसलिए थ्री में आई वन का मान रखने पर टू आई इज इक्वल टू आई माइनस पाई बाई टू लाग टू, या आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लाग टू, अर्थात जीरो टू पाई बाई टू लाग कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू लाग टू टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू पाई बाई टू लाग वन बाई टू। इसी प्रकार अगर हमको निकालना रहेगा जीरो टू पाई बाई टू लाग साइन एक्स डी एक्स, तो उसकी भी वैल्यू ठीक इसी प्रकार से निकालेंगे, अब वो भी यही होगा पाई बाई टू लाग टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन में वन माइनस टेन एक्स अपान वन प्लस टेन एक्स डी एक्स। हम जानते हैं कि टेन पाई बाई फोर का मान होता है वन, तो जहाँ जहाँ वन है वहाँ हमने टेन पाई बाई फोर रख दिया, तो टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स वन प्लस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स डी एक्स। एक फार्मूला यह होता है कि टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपान वन प्लस टेन ए टेन बी से, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन में टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लाग कास पाई बाई फोर माइनस एक्स, माइनस एक्स एक्स का कोफिशियंट माइनस वन है, माइनस वन नीचे आ जाएगा प्लस सी, माइनस माइनस दोनों कट जाएगा तो यह हो जाएगा लाग कास पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस सी। बाबू